किसके लिए खाना बना रही है? मैं महरूस के लिए। क्या बात है, क्यों रो रही हो? नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया। ओह सॉरी, मैं एग्जॉस्ट फैन चलाना भूल गई। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। अब तुम आई गई हो तो खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, थोड़ी सी हेल्प करो। मैं सोच रही थी कि अगर अम्मी हमें इस तरह काम करते हुए देख लेना तो वो एक तरीके से हैरान भी हो जाएंगी और खुश भी कि मेरी बेटियों ने कभी घर में काम नहीं किया और अपने ससुराल जाके पूरा घर संभाल लिया। याद है कितने ताने दिया करती थी। एनी, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अम्मी पापा की याद आ रही थी तो इसलिए तुम्हें गले लगा लिया। पागल हो गई हो तुम, बेटियों का यही नसीब होता है, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे घर आना ही होता है। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था, ऐसे ही इमोशनल हो गई मैं भी। ऐसा मैंने अम्मी को बताया कि हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, बहुत खुश होने लगी। लेकिन मैंने उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपसे आके मिल सके, तो मैंने कहा कि हम वापस आएंगे फिर मिलेंगे। अच्छा किया। आप तो मेरी हेल्प करवाओगी प्लीज? हाँ प्लीज, वो चिकन देख लो।